गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हैव ए नाइस डे। वंस अगेन वेलकम बैक टू एपीएस ऑनलाइन ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फीलिंग वेल एंड योर स्टडी इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेल। During the lockdown, you have to write down the notes which is provided by the institutions. After lockdown and the opening of a school, then I will check your copies. Okay? देखिए, आपको हमने पिछली कक्षा में मानव के पाचन तंत्र पर हमने आपसे चर्चा की थी और आपको बताया कि मानव का पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, यानी कि हमने आपको पाचन तंत्र का अर्थ बताया, मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पिछली कक्षा में पाचन तंत्र और पाचन के बारे में आपसे क्या किया था, चर्चा की थी, डिस्कस किया था। देखिए, हमने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया कि जटिल भोज्य पदार्थों का जल अपघटनी एंजाइमों द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में विघटित होने या परिवर्तित होने या टूटने की क्रिया को या अपघटित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन कहते हैं। और पाचन तंत्र की परिभाषा हमने बताया कि शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइमेटिक जल अपघटनी क्रियाओं के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में अपघटित या विघटित या टूट जाते हैं तथा उनसे प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ जो होते हैं वो शरीर के अवशोषण योग्य हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। आपको बताया है कि पाचन तंत्र जो होती है वो आहार नाल और किससे मिलकर के बनी होती है, आहार नाल और किससे मिलकर के बनी होती है, सहायक पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बनी होती है। हमने आपको बताया है कि आहार नाल क्या है और आपको बताया है कि आहार नाल की जो संरचना होती है उसका अग्रभाग मुख कहलाता है, पश्चिम भाग क्या कहलाती है, गुदा कहलाती है। अर्थात हमने बोला था कि मुख आहार नाल जो होती है वो मुख से लेकर के गुदा तक क्या होती है, व्यवस्थित रहती है, अवस्थित रहती है या फैली हुई होती है। ठीक है, आपको पता है आहार नाल की जो होती है वो लंबी होती है, कुंडली संरचना के रूप में होती है, पेशीय संरचना के रूप में होती है, नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। साथ में हमने बताया इसकी लंबाई जो होती है लगभग 4.5 मीटर के लगभग होती है। जब मनुष्य जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4.5 मीटर होती है, जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, लगभग मृत्यु होने पर इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है, क्योंकि आहार नाल मृत्यु होने के पश्चात अनुशिथिलित अवस्था में आ जाती है। तत्पश्चात हमने आहार नाल के भागों के बारे में बात की थी कि आहार नाल की संरचना के बारे में, और आपको बताया कि आहार नाल की संरचना कई भागों में बटी होती है, वो मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में आपको बताया था हमने गुदा के बारे में। कल हमने आपसे मुख और मुखगुहा पर आपसे चर्चा कर रहे थे और आपको हमने कल बताया था कल हमने आपको जो बताया था देखिए हमने आपको कल बताया था कि मनुष्य के अंदर जो मुख गुहा होती है, ठीक है, बक्वल कैविटी के नाम से इसे जाना जाता है, और मुख गुहा की संरचना के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं मैंने आपको बताया, 4 पार्ट होते हैं, वैसे कई किताबों में 3 पार्ट भी होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट मैंने आपको बताया था तालू, जिसको प्लेट के नाम से जानते हैं। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया था जिह्वा के बारे में, ठीक है,
तन के बारे में, तीसरा जो बातें हैं जो है दांत, और चौथा मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि जो पार्श्व तह पर मुख वाक के पार्श्व तह पर जो संरचना पाई जाती है जिन्हें आप लोग गाल के नाम से जानते हैं। हम इन तीनों बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है दांतों के प्रकार, ठीक है। आज जो हम दांतों पर चर्चा करेंगे वो दांतों के प्रकारों पर अध्ययन करेंगे तथा दांत की संरचना पर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार एंड स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। दांतों के प्रकार और हम किस पे बात करेंगे, दांत की संरचना का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, या दंत स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दांत के बारे में। हालांकि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कुछ बातें हमने आपको बता दी थी, एक बार फिर हम आपको दांतों के बारे में ले चलते हैं। जहां तक हमने आपको पढ़ा दिया उसको हम एक बार शॉर्टली यहां तक डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो दांत होते हैं मनुष्य में, जो दांत पाए जाते हैं वो भोजन को काटने और चबाने के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। भोजन को काटने में और चबाने में, फूड कटिंग एंड च्यूइंग हेल्प इन फूड कटिंग एंड च्यूइंग, ओके। भोजन को काटने और चबाने में दांत क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दांत जो होते हैं मैंने आपको बताया दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। टीथ इज फाउंड इन बोथ जॉ, बोथ का मतलब दोनों जबड़ों के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। एक हमारा अपर जॉ होता है, ऊपरी जबड़ा होता है, दूसरा कौन सा होता है, लोअर जॉ होता है। और दोनों जबड़ों के अंदर क्या होती है, अस्थियां होती है। अस्थियों के मध्य में क्या पाया जाता है, ये अस्थि होती है। इस अस्थि के मध्य में क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं गर्तों के अंदर दांत क्या होते हैं, स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। टीथ इज लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ बोन ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ठीक है। तो आपको बताया कि दांत जो होते हैं वो हमारे ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े की जो अस्थियों में उपस्थित जो गर्त होते हैं, उन गर्तों के अंदर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने आपको कल बताया था कि मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो गर्त ग्रंथि प्रकार के होते हैं, थीकोडोंट प्रकार के होते हैं। इज इट क्लियर। हमने आपको बताया कि दांतों की जो संरचना होती है, ठीक है, मनुष्य में जो दांतों की संरचना होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, यानी कि एक समान नहीं होती है। होमोडोंट प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं, समदंती दांत मनुष्य में नहीं पाए जाते। सभी दांतों के आकार और आकृति की दृष्टि से उनकी संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उनकी संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव में जो दांत होते हैं वो विषम दंती प्रकार के होते हैं, हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, हम इन दोनों बातों पर आपसे बात कर चुके। साथ में हमने आपको बताया है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, दो बार दांत आते हैं, यानी कि मनुष्य जो होता है वो एक द्विबार दंती प्राणी होता है, ठीक है, द्विबार दंती प्राणी होता है, जिसको हमने बोला था डाइफोडोंट के नाम से जानते हैं। डाइफोडोंट का अर्थ होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती होता है, विषम दंती होता है, गर्त दंती होता है, और दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। और दांत जो होते हैं वो भोजन को चबाने और काटने के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आपको मैं बता दूं, जो दांत होते हैं, ध्यान से सुनना है, दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं इनके अंदर। देखिए, एक तो बच्चा जब मनुष्य जो होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद एक डेढ़ या दो साल के पश्चात उनमें दांतों के निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वैसे 8वें 9वें महीने के अंदर क्या है, शिशु के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
और ये दांत जो होते हैं वो लगभग बच्चा 8-9 वर्ष का होता है उस दौरान उनके मुख के अंदर 20 प्रकार के दांत आ जाते हैं। ये 20 जो दांत होते हैं यानी कि बच्चे में 20 दांत होते हैं, ठीक है। और एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। बच्चे में जब ये 20 दांत उखड़ जाते हैं, ठीक है, तो तत्पश्चात उनमें ये दांत आते हैं। इसलिए ये दांत जो होते हैं बच्चे में जो 20 दांत होते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं, टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन दांतों को टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं। बच्चे में ये जो दांत होते हैं इन्हें दूध के दांतों के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दांतों के नाम से जाना जाता है, मिल्की टीथ के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए है कि मिल्की टीथ या टेम्पररी टीथों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। देखिए एक वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ये दांत कैसे होते हैं, स्थाई होते हैं, इसलिए इन दांतों को परमानेंट टीथ के नाम से भी या स्थाई दांतों के नाम से भी जाना जाता है। परमानेंट टीथ के नाम से भी क्या है, इन्हें जाना जाता है। कौन से टीथों के नाम से, परमानेंट टीथ या इन्हें स्थाई दांतों के नाम से क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्थाई दांतों के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या मनुष्य में कितनी होती है, मैंने बता दिया 32 होती है। तो बच्चे में दांतों की संख्या 20 होती है, वयस्क मनुष्य में 32 होती है। इसलिए एक मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं। और 2 बार आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, द्विबार दंती कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मनुष्य के दंत विन्यास के ऊपर, ठीक है, डेंट फॉर्मूला, ठीक है, या टीथ फॉर्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए दांतों का सूत्र पे हम बात करेंगे, पहले दंत विन्यास सुन लीजिए। स्तनधारियों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि स्तनधारियों के मुख गुहा में दांत जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दंत विन्यास कहते हैं। देखिए दंत विन्यास को हम बता रहे हैं, दांतों का दंत फॉर्मूला या दांतों का सूत्र की बात कर रहे हैं। दंत सूत्र का फॉर्मूला आप सुन लीजिए। इसका सूत्र है ऊपरी जबड़े के अर्धांश में, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में, जबड़े के अर्धांश में, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या गुणा 2। देखिए दंत सूत्र क्या है, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या और निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। अर्धांश का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये एक जबड़ा है, ठीक है, और ये एक पूर्ण जबड़ा है, एक जबड़ा है, और इसका अगर ये आधा भाग कर दिया जाए तो इस अर्धांश की बात किया है हमने। बताया कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश में, ये ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, तो ये अर्धांश में दांतों की संख्या, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताया गया है। अब हम आपको बात कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर, ठीक है, दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उन पर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, केवल हम डायरेक्ट एक बार सूत्र आपको बताने जा रहे हैं। देखिए एक चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर डेंट यानी कि दंत सूत्र क्या है, टीथ फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं। एक बच्चे के अंदर दंत फॉर्मूला पर हम बात कर रहे हैं कि उनके दंत फॉर्मूला क्या है। मनुष्य में जो दांत होते हैं उनको हम इस क्रम से आपको बता रहे हैं। एक सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र को आप याद रखना, ICPM मनमोहन सिंह, ठीक है, ICPM मनमोहन सिंह। मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखा, ठीक है। आई का अर्थ हो गया इंसीजर, जिनको कृंतक दांतों के नाम से जानते हैं। सी का अर्थ होता है कैनाइन टीथ, जिनको रत्नक दांतों के नाम से जानता है। प्रीमोलर, जिन्हें क्या कहा जाता है, अग्रचवर्णक। और चौथे प्रकार के जो होते हैं उन्हें मोलर टीथ या चवर्णक दांतों के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है।
तो इस तरीके से चार प्रकार के दांत क्या किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आपको देखिए इनका सूत्र बता रहे हैं, एक बच्चे का ICPMM। अब देखिए आपको अगर सूत्र याद रखना है तो किस तरीके से इसका सूत्र याद रखना है, देखिए एक बच्चे के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, इंसीजर की संख्या ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या कितनी हो गई, दो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऊपरी जबड़ा। ठीक है, और निचला जबड़े के अंदर दांतों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। इसका सूत्र मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, एक बच्चे के अंदर दांतों का सूत्र अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2102 बटे 2102। आप देख रहे हो कि ऊपरी जबड़े में गुणा दो हो गया। ठीक है, ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या बटे निचले यानी कि निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या गुणा दो, 2000। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2102 बटे 2102। ये क्या है, एक चाइल्ड टीथ का क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक बच्चे के अंदर हो गया। और बच्चे में अगर आप देखना चाहें तो ऊपरी जबड़े में 2 और 1 3 और 2 5, 5 × 2 कीजिए तो कितने हो गए ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, 10। 2 और 1 3 और 2 5, 5 × 2 यानी कि निचले जबड़े में भी कितने हो गए, 10। ऊपरी जबड़े में 10 होते हैं, निचले में 10 होते हैं, टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसी तरीके से हम आपको, ठीक है, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या बता चुके हैं, और वयस्क मनुष्य में एक अडल्ट मैन के अंदर क्या है, दांतों की जो संख्या होती है वो मैंने आपको सूत्र बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, ये ऊपरी जबड़ा और ये कौन सा है, निचला जबड़ा। देखिए एक बच्चे के अंदर जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं उनका अभाव होता है। आपसे पूछा जाए कि बच्चे में कौन से दांतों का अभाव होता है, तो अग्र चवर्णक दांतों का क्या होता है, अभाव होता है। ऊपरी जबड़ा जो होता है उसमें इसका सूत्र है 2123। देखो 2123 बटे 2123 यानी कि इंसीजर की संख्या ऊपरी जबड़े में दो, निचले जबड़े के अर्धांश में दो, कैनाइन में एक एक होती है दोनों अर्धांशों में, प्री मोलर में भी दो दो होती है, और मोलर में कितनी होती है, तीन तीन होती है। बात सुनो आगे, अगर हम कुत्ते के अंदर बात करें तो कुत्ते के अंदर देखो सूत्र है, आपको मैंने लिखा हूं डायरेक्ट यहां पे, सूत्र हो गया ICPMM। ठीक है, ICPMM पे बात कर लेते हैं और कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो कुत्ते का आप देखिए, कुत्ते का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं 3142 बटे 3142। ये कुत्ते का क्या है, दांतों का सूत्र है। ठीक है, अगर सुअर और घोड़े की अगर बात करें तो सुअर और घोड़े की अगर बात करें, देखिए पिग एंड हॉर्स, पिग और हॉर्स में अगर दंत सूत्र की बात करें तो बस एक अंतर है, यहाँ पे देखो 3142 है तो यहाँ पे कितने होते हैं, 3143 होते हैं। इंसीजर तीन होते हैं, कैनाइन एक होता है, प्रीमोलर चार होते हैं, मोलरों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। अगर खरगोश की अगर हम बात करें, खरगोश के अंदर, रैबिट की अगर बात करें तो रैबिट के अंदर कितनी होती हैं, 2000, ध्यान से सुनना, 2033 बटे 2033, यानी कि इंसीजर दो, कैनाइन जीरो होते हैं, मोलरों की संख्या 3 होती है प्रत्येक अर्धांश में, और मोलरों की भी की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पे हमने बच्चा, वयस्क मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, सुअर और खरगोश के दांतों के सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने दांत उनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। सर्वाधिक रूप से जो दांत पाए जाते हैं वो घोड़े और सुअर के अंदर क्या है, पाए जाते। इज इट राइट? देखिए अब हम आपसे बात करते हैं दांतों के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ टीथ।
टाइप ऑफ टीथ पे हम बात करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार पे हम बात कर रहे हैं। दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। दांतों के प्रकार और दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो दांत होता है उसे क्या कहा जाता है? कृंतक दांतों के नाम से जानते हैं। कृंतक को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? इनसीजर के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार के दांतों को रदना, जिन्हें कैनाइन। तीसरे प्रकार के दांतों को अग्रसवर्णक, जिन्हें प्रीमोलर। और चौथे प्रकार के जो दांत हैं उन्हें सवर्णक या उन्हें मोलर टीथ के नाम से उन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोलर टीथ के नाम से जाना जाता है। देखिए कृंतक दांतों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कृंतक दांत कौन से होते हैं? मनुष्य का जो जबड़ा होता है, मनुष्य का जो जबड़ा होता है और जबड़े के अंदर जो गर्भ होता है, मनुष्य का ये जबड़ा होता है, ठीक है। मनुष्य का जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर ही क्या होते हैं? जबड़े के अंदर ही क्या होता है? गर्भ होता है। जबड़े के अंदर ही क्या होता है? गर्भ होता है, ठीक है। जबड़े के गर्भ में आगे की ओर स्थित, ये आगे की ओर जो स्थित यहां पर दांत होते हैं उन्हें कृंतक दांतों के नाम से जानते हैं। जबड़े के गर्भ में आगे की ओर स्थित दांतों को क्या कहा जाता है? कृंतक दांतों के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या आपको बता दूं, प्रत्येक जबड़े में, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। और अर्धांश की दृष्टि से बात करें कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या दो हो गई और निचले अर्धांश में दांतों की संख्या कितनी होती है? दो हो गई। और हमने यहाँ पर टोटल रूप में आपको बता दिया है, ग्राउंड बता दिया है, ग्रांड टोटल के रूप में, और आपको बता दिया है कि जबड़े की संख्या कितनी होती है? जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? चार होती है, ठीक है। ऊपरी जबड़े में भी दांतों की संख्या चार होती है, निचले जबड़े के अंदर भी क्या होती है? दांतों की संख्या चार होती है। देखिए ये कृंतक दांत होते हैं और ये कृंतक दांत क्या काम करते हैं कि भोजन को काटने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आगे के जो दांत होते हैं वो भोजन को इस तरीके से क्या करते हैं? काटने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ये कृंतक दांत भोजन को काटने में क्या होते हैं? कटिंग में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, कटिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं रत्नक दांतों के बारे में। ये कृंतक दांत होते हैं और इन कृंतक दांतों के पार्श्व में यहाँ पे, यानी कि ये जो दांत पाए जाते हैं इस तरीके, ये कृंतक जो दांत पाए जाते हैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ये तो हो गया कृंतक दांत और कृंतक दांतों के ये पार्श्व में, पार्श्व का मतलब साइड में क्या पाए जाते हैं? रत्नक दांत पाए जाते हैं। और प्रत्येक जबड़े में इनकी जो संख्या होती है, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। वैसे हमने आपको क्या बताया है कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश में रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। परंतु हमने टोटल बोल दिया है कि ऊपरी जबड़े या प्रत्येक जबड़े में रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है? दो। क्लियर बात होगी। ये दांत क्या काम करते हैं कि भोजन को चीरने और फाड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं वो भोजन को चीरने में और फाड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और आपको बता दूं, चीरने और फाड़ने वाले दांत सर्वाधिक रूप से मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं? विकसित होते हैं, ठीक है। कैनाइन टीथ इज डेवलप्ड इन मोस्टली कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। सर्वाधिक रूप से मांसाहारी प्राणियों के अंदर सर्वाधिक रूप से रत्नक दांत क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अब बात करते हैं अग्रसवर्णक दांतों के बारे में। देखिए हमने ये तो आपको बताया कृंतक दांत और ये कौन से हो गए हमारे? रत्नक दांत।
और इन्हीं दांतों के बीच में इस तरीके की संरचना पाई जाती है, इधर भी इस तरीके से दांतों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर कि अग्रचर्वण जो दांत होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, रत्नक दांतों के पार्श्व में पाए जाते हैं। रत्नक दांत के कहां पर पाए जाते हैं, पार्श्व में पाए जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, प्रत्येक की संख्या कितनी होती है, दो होती है। कितनी होती है प्रत्येक में, इनकी संख्या कितनी होती है, दो, यानी कि दो, यानी कि दो का मतलब है यहां भी दो हो गए, यहां भी दो हो गए, यानी कि प्रत्येक अर्धांश की दृष्टि से तो दो दो होते हैं, परंतु प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, चार होते हैं। दो ये रहे, दो ये रहे, आधे जबड़े में दो हो गए, आधे में दो हो गए, टोटल मिलाकर के कितने हो गए, चार दांतों की संख्या इनमें पाई जाती है। तो प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। और ये भोजन को चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, फूड चिंग के अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। भोजन के चबाने की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अग्रचर्वणक दांत होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या चार होते हैं, और भोजन को चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। लास्ट जो दांत है उनको हम बोलते हैं चवर्णक पीथों के नाम से जानते हैं, जिन्हें मोलर पीथ के नाम से जानते हैं। ये क्या कदाप क्या करते हैं, मोलर टीथ जो होते हैं वो भोजन को फोड़ने में या तोड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। भोजन को तोड़ने में या फोड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है, छह होती है। तो पहले तो आइए इसके लोकेशन के बारे में बताते हैं। तो ये तो हमारे हो गया अग्रचर्वण, और अग्रचर्वण के बारे में इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो ये तीन, ठीक है, इस तरीके से तीन आधे जबड़े में अर्धांश में, ऊपरी जबड़े के यानी कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश में और निचले जबड़े के अर्धांश में आप देख लीजिए तीन तीन दांतों की संख्या दिखाई दे रही है। टोटल अगर हम कहें तो एक जबड़े के अंदर कितने हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, ठीक है, चवर्णक या मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, छह होती है। ठीक है, और ये भोजन को तोड़ने और फोड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। खास तौर से हम बोल सकते हैं कि ये अग्रचर्वणक दांतों के पास में स्थित होते हैं। यानी कि आपको मैंने बताया, ध्यान से सुनना, कृंतक जो दांत होते हैं वो जबड़े के गर्त में आगे की ओर स्थित होते हैं। ये आगे की ओर जो दांत स्थित होते हैं वो कृंतक, कृंतक दांतों के पास में रत्नक पाए जाते हैं, रत्नक दांतों के पास में अग्रचर्वणक दांत पाए जाते हैं, अग्रचर्वणक दांतों के पास में कौन से दांत पाए जाते हैं, चवर्णक दांत क्या है, पाए जाते हैं। क्लियर बात हो गई आपको। हम बता दें ये अग्रचर्वणक और चवर्णक, मोलर और प्रीमोलर, ये दोनों प्रकार के दांतों को कपोल दांत भी कहा जाता है। अग्रचर्वणक और चवर्णक दांतों को कौन से दांत कहा जाता है, कपोल। कपोल का अर्थ होता है गाल, गाल में बोले तो इनको बोलते हैं चीक टीथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चीक का अर्थ होता है गाल, टीथ का मतलब टीथ, यानी कि जो गालों की ओर जो दांत स्थित होते हैं उन्हें कौन से दांत कहा जाता है, कपोल टीथ के नाम से जानते हैं। यानी कि अग्रचर्वणक और चवर्णक दांतों को कपोल टीथ या चीक टीथ के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। मोलर एंड प्री मोलर टीथ इज नोन एज ए चीक टीथ। ओके, देखिए मनुष्य में तीसरे प्रकार के जो मोलर दांत होते हैं, तीसरे प्रकार के जो मोलर दांत होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, चवर्णक दांतों के बाद में आते हैं, और ये सबसे बाद में आते हैं। और जो दांत सबसे बाद में आते हैं उन दांतों को क्या कहा जाता है, अक्कलडाड। अक्कलडाड में बोले तो उसे वाइज टीथ के नाम से क्या है, जाना जाता है। यानी कि मनुष्य में तीसरा प्रकार का जो मोलर दांत होता है या चवर्णक दांत होता है उसका निर्माण, ठीक है, वो सबसे बाद में होता है, यानी कि वो दांत सबसे बाद में निकल करके आता है, और उन दांतों को क्या कहा जाता है, अक्कल दांत के नाम से या वाइस टीथ के नाम से क्या है, जाना जाता है। इज इट राइट। देखिए अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं मानव में दांतों की संरचना के बारे में, हम बात करने जा रहे हैं कि मानव में दांतों की संरचना किस प्रकार की होती है। आइए